वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग रूटिंग और शेड्यूलिंग कोशिश करेंगे, रूटिंग और शेड्यूलिंग का कवर करने का, ठीक है। तो देखते हैं, रूटिंग से स्टार्ट करते हैं। रूटिंग है क्या, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, या जो भी हमारे सिलेबस में है वो हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, स्टार्ट हो जाए रूटिंग और शेड्यूलिंग का, ठीक है। देखते हैं रूटिंग। तो रूटिंग करता क्या है, रूटिंग है क्या, तो रूटिंग इज डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट पाथ विच विल बी फॉलो इन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जो जो प्रोसेस फॉलो करेगा, जो जो पाथ फॉलो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रूटिंग। मतलब जो रॉ मटेरियल है इन प्रोसेस होगा, और इन प्रोसेस होके किस किस जगह से गुजरेगा, किस किस डिपार्टमेंट से होके गुजरेगा, एक एक किस किस पाथ से होके गुजरेगा, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं रूटिंग, ठीक है। देखिए अल्फ्रेड और बीटी डिफाइंड किया है रूटिंग को, कि रूटिंग है क्या। अल्फ्रेड एंड बीटी डिफाइंड किया है रूटिंग को, कैसे डिफाइन किया है। रूटिंग इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस टू बी फॉलो इन प्रोडक्शन इन ए पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग लॉट। किसी एक लॉट में मटेरियल का स्पेसिफिकेशन का फ्लो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेसेस फॉलो जो किया जाता है उसका 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 रूट है, इसी को बोलते हैं रूटिंग। कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन कब कब बदल रहा है, उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है तो वो कब कब हो रहा है, प्रोसेसेस उसमें जो फॉलोड हो रहे हैं पार्ट को प्रोड्यूस करने में वो कौन कौन सा हो रहा है, यही इसका क्या है, रूटिंग है किसी का। एक और डेफिनेशन है आपके लिए हम लोग लाए हैं, नेक्स्ट अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं रूटिंग। इससे भी आप लोग रूटिंग समझ सकते हैं क्या क्या होता है। रूटिंग मीन्स डिटरमिनेशन ऑफ रूट टू बी फॉलो, रूटिंग मीन्स डिटरमिनेशन ऑफ रूट टू बी फॉलो बाई ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट बींग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनपुट रॉ मटेरियल इंटू फाइनल प्रोडक्ट। रूटिंग का मतलब क्या है, कहता है कि रूटिंग का मतलब है कि रॉ मटेरियल को या पार्टिकुलर कंपोनेंट को फिनिश पार्ट में बदलने के लिए जो जो रूट फॉलो किया जाता है उसी को हम लोग रूटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है रूटिंग, अब तो इससे ज्यादा और क्या समझिएगा। क्या है, एक ये एक तरह से कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एक एक पाथ एक एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, कि एक प्रोसेस के बाद इसका कौन सा प्रोसेस होगा और वो किस पाथ को फॉलो करता है, इसी को हम लोग रूटिंग बोलते हैं, ठीक है। रूटिंग कौन कौन से डिसीजन को फॉलो करता है, या रूटिंग के अंदर कौन कौन सा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, ये हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि रूटिंग के लिए क्या प्रोसीड्योर होता है, या रूटिंग कौन कौन सा डिसीजन ले सकता है रूटिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले रूटिंग डिपार्टमेंट मेक और वाई डिसीजन लेता है कि प्रोडक्ट बनाएंगे या बाय करेंगे। अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो रूटिंग रूटिंग का काम वहीं पे खत्म, फिर वो नेक्स्ट चल जाएगा शेड्यूलिंग पे, जो अदर ऑपरेशन रहेगा उस पे, उसके बाद इसका कोई जरूरत नहीं। अगर प्रोडक्ट मेक कर रहे हैं तब फिर आ जाएगा नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ बाइंग मटेरियल, ठीक है, या सॉरी कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन ऑफ मेकिंग एंड बाई डिसीजन, कि मेकिंग करने में हमको कितना चार्ज लग रहा है और बाय करने में कितना चार्ज लग रहा है, दोनों में कंपेरिजन करके रिपोर्ट देगा, और उसके बाद देखेगा वेदर द अवेलेबल मैन पावर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग विद इन द प्लांट। अब वो देखेगा कि हमको मेरे पास मैन पावर अवेलेबल है कि नहीं, उस रॉ मटेरियल को जिसको हम खरीदने वाले थे पहले, वो उसको बनाने के लिए बाय डिसीजन लेते तो कुछ खरीदते ना, तो उसको खरीदने के लिए अगर हमारे पास पैसे अगर हो जाते हैं और इससे कम में हो जाता है, रॉ मटेरियल और मैन पावर अवेलेबल कराने से कम में हो जाता है, तो वो डिसीजन लेगा कि हम मेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। चौथा डिसीजन क्या लेता है,
whether the existing machine which are all ideal can be utilized or not, utilized or not. हमारे पास जो आइडियल मशीन है क्या हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, जो प्रोडक्ट हम बनाने का डिसीजन लिए, बाय डिसीजन लिए रूटिंग से, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑलरेडी कुछ इक्विपमेंट होगा। अब उसका उसका इफिशियंसी बढ़ाने के लिए या जल्दी बनाने के लिए हमारे पास अगर कुछ आइडियल मशीन है तो वो उसके लिए उपयोग हो सकता है कि नहीं, हमारे पास जो है वो डिसाइड, ये भी आपको रूटिंग डिसाइड करता है। फिर पांचवा डिसीजन क्या है, वेदर द इनपुट मटेरियल एंड मशीन आर अवेलेबल इन द प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट, क्या हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है कि नहीं, मशीन आर अवेलेबल है कि नहीं प्लांट में, ठीक है, अगर नहीं है तो मंगाएगा, ठीक है, वो अवेलेबल है कि नहीं रिक्वायरमेंट के लिए। अगर रॉ मटेरियल जो डिसाइड किए हैं वो हम अपने लिए सुरक्षित किए हैं कि नहीं, इन्वेंट्री में मंगाए हैं कि नहीं, या हम किसी डीलर से डील किए हैं कि नहीं उस रॉ मटेरियल में, ये सब डिसीजन लेगा कौन, आपका रूटिंग डिपार्टमेंट ये डिसीजन आप लेगा। नेक्स्ट रूट सीट, रूट सीट में होता क्या क्या है, आपको रूट सीट यूनिट 3 में भी बताए थे कि रूट सीट क्या होता है, सेम वही चीज में रूट सीट में, रूट सीट में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे रूट सीट में, ठीक है ना। कंपोनेंट का नंबर लिखेंगे, कंपोनेंट को स्पेसिफाई करके, कंपोनेंट का हर एक कंपोनेंट का अलग अलग नंबर आता है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे। फिर उसका डेजिग्नेशन नंबर देंगे, ठीक है, फिर ऑर्डर नंबर देंगे, स्पेसिफिकेशन नंबर देंगे, इस तरह से रूट सीट बना हुआ रहता है। आपको रूट सीट एक्सप्लेन भी किए थे, एक बार याद कीजिए पूरा लेक्चर का, ठीक है, तो ये रूट सीट है। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज ऑफ रूटिंग, रूटिंग का एडवांटेज क्या होता है, तो रूटिंग का एडवांटेज होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल है उसको वो क्या है इफेक्टिवली यूज करता है, क्योंकि रूटिंग क्या है, सब आपका डिसीजन ले सकता है, मशीन है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं, और मैन पावर है कि नहीं, उसको उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये सब कौन डिसीजन आपको रूटिंग डिसीजन में पड़े थे, तो ये सब डिसीजन लेकर के उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है अवेलेबल रिसोर्सेज का, ठीक है। रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को, क्योंकि प्रॉपर रूट कौन सा रूट से हम लोग ले जाएंगे, रूटिंग ऐसा डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग को कम जाए, तो ये इसका एडवांटेज मिल जाता है। क्वालिटी इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम को इंप्रूव करता है, प्रोवाइड बेसिस ऑफ लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, लोडिंग एंड शेड्यूल, क्योंकि रूट डिसाइड करते हैं तो उससे लोडिंग और शेड्यूल करने में शेड्यूल का डिपार्टमेंट को आसानी हो जाता है, तो ये बेसिक जो लोडिंग और शेड्यूलिंग का जो है वो रूटिंग ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूलिंग, रूट कर लीजिए उसके बाद हम लोग शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। शेड्यूलिंग है क्या, तो शेड्यूलिंग इज द लास्ट ऑफ द प्लानिंग फंक्शन, जो हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग में पढ़े थे कि प्री प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग और कंट्रोल, तो क्या है ये प्लानिंग फेज का जो मिडिल फेज हमारा था, प्री प्लानिंग के बाद प्रोडक्ट प्लानिंग था, तो प्रोडक्ट प्लानिंग का ये लास्ट फेज का इसको कहा जा सकता है। शेड्यूलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द प्लानिंग, शेड्यूलिंग इज द लास्ट ऑफ द प्लानिंग फंक्शन, करता क्या है शेड्यूलिंग, इट डिटरमाइंस व्हेन द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म और व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, ऑपरेशन कब होगा पढ़े थे शेड्यूलिंग में, जब शेड्यूलिंग का इसका हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे पीपीसी का उसमें भी देखे थे, सेम चीज है वही शेड्यूलिंग है। तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, कब खत्म होगा, ठीक है। द डिफरेंस लाइज इन डिटेल ऑफ शेड्यूलिंग प्रोड्यूस, द डिफरेंस लाइज इन द डिटेल्स ऑफ द शेड्यूलिंग प्रोसीड्योर, इन ए सेंट्रलाइज कंट्रोल सिचुएशन where all the process planning, loading and scheduling for the plant are done in a central office, the details of schedule may be specified, the starting and finishing time for an operation. क्या है कि scheduling जब हम करते हैं तो एक centralized control situation होता है, चार लोग बैठते हैं या जो production scheduler रहता है वो अपना schedule एक जगह बैठ के schedule करता है और वो अपना report सबको देता है, ठीक है। द डिटेल ऑफ शेड्यूल में भी स्पेसिफाई स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम, ये शेड्यूलर जो है वो स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम ऑपरेशन का वो शेड्यूल करके देता है, और उस टाइम में उस विद इन द टाइम जो स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम जो शेड्यूल करके दिया उस टाइम में ऑपरेटर को वो ऑपरेशन कर देना होता है, ठीक है। जो मान लिया अगर शेड्यूलर दिया है कि शेड्यूलर ऐसे ही वो जानकार आदमी होता है, इंजीनियर होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी जाके शेड्यूल कर देगा प्रोसेस को, तो वो
हर प्रोसेस का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम वो डिसाइड करता है रिसर्च और एनालाइज करके प्रोडक्ट का, ऑपरेशन का, और उसके बाद वो ऑपरेटर को देता है और उसको विद इन द टाइम उसको करके देना होता है। तभी ना आपको एक एक टाइम लिमिट बनेगा कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमको बनाने में कितना समय लगेगा। जो आपको ऑर्डर दिया कंपनी, तो आपके पास अगर टाइम लिमिट नहीं रहेगा तो आप कैसे बता पाइएगा कि यहाँ ये ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। उसी अनुसार बहुत सारा ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, और उस सब ऑपरेशन को कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये शेड्यूलिंग इसमें बहुत बड़ा रोल आपको अदा करता है। जो आपको रिक्वायर्ड टाइम है वो पता करने के लिए मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, ठीक है, या टारगेट हमको अचीव करने के लिए प्रोडक्शन का कितना टाइम लगेगा, ये डिसाइड करने में आपका शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो इसी तरह से करता है, एनालाइज करता है हर प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, स्टार्ट होने में कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, तो कब खत्म होगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करने में आपको वो हेल्प करता है। और फंक्शन ऑफ शेड्यूलिंग, तो फंक्शन शेड्यूलिंग का क्या क्या फंक्शन है, अलोकेटिंग ऑफ ऑर्डर इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू वर्क सेंटर, ऑर्डर को इशू करता है ये इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू वर्क सेंटर, शॉर्ट रन कैपेसिटी प्लानिंग, ये डिसाइड करता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो शॉर्ट रन है या लॉन्ग टर्म है, ये डिसाइड करता है। दूसरा सेकेंड फंक्शन है प्रायोरिटी डिसाइड करता है, कौन सा जॉब पे काम पहले होगा, ठीक है, सीक्वेंस डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब पहले होगा, कौन सा जॉब बाद में होगा, ये एनालाइज करके इस तरह से करता है ताकि आपको पूरा प्रोसेस, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है, नंबर ऑफ सीक्वेंस करना है, तो कम से कम किस टाइम, कम से कम समय लगे उस पर, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मशीन रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रहेंगे, तो कौन से मशीन पे कौन सा प्रोसेस कब होगा, कौन करेगा, तो ताकि हमको कम से कम समय में हमको फिनिश प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है ना, ये डिसाइड करता है डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर टू बी डन, ठीक है, जॉब प्रायोरिटी में, ठीक है। फिर इनिशिएट वर्क ऑफ शेड्यूल ऑर्डर, डिस्पैचिंग को ये शेड्यूल जब तक नहीं होगा जब तक डिस्पैचिंग आप नहीं कर पाइएगा, शेड्यूलर जो है प्रोसेस शेड्यूलर वो शेड्यूल करेगा, उसके बाद आपको डिस्पैचिंग ऑर्डर ही मिलेगा। उसके बाद और शेड्यूल का क्या काम है, शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप फ्लोर के पे जो आप जो वर्क चल रहा है शॉप फ्लोर पे उसको रिव्यू करता है, रिव्यू करके एक्सपेंडिटर अगेन फॉलो अप करता है कि जो हम शेड्यूल किए हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं। जो एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट से एक जाता था ना डॉटेड लाइन आपका, जिस पे आपका शेड्यूल पे जाता था, अगर पीछे वाला स्लाइड आप लोग लास्ट क्लास में देखे होंगे, पहला या सेकेंड क्लास में, वो एक्सपेंडिटिंग से फीडबैक जाता था आपका क्या शेड्यूल में, तो वो इसी कारण से जाता था कि शॉप फ्लोर पे जो काम चल रहा है उसको शेड्यूलर क्या है रिव्यू करेगा, वो उसका रिपोर्ट देखेगा कि जो हम शेड्यूल किए हैं उस टाइम में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ऑपरेटर से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वो करेगा। अब फिर वो देखेगा कि हम जो शेड्यूल किए हैं क्या इसमें कोई गड़बड़ी है या फिर ऑपरेटर में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो वो अपने अनुसार फिर उसको रीशेड्यूल करेगा, वो जो देखेगा, और फिर अगेन उसका रिपोर्ट आपको फॉलो अप करके एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट को या फिर इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट को वो देगा। नेक्स्ट, शेड्यूलिंग को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर वैसा फैक्टर जो कि मैनेजमेंट जिसको कंट्रोल कर पाए, प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट रहता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, तो इंटरनल फैक्टर वो सारे फैक्टर है जिसपे कि मैनेजमेंट का अधिकार होता है, मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर सकता है, या तो कम कर सकता है, घटा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, चाहे जैसे कि कॉस्ट हो गया, कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना, ये सब इंटरनल फैक्टर्स में आता है। और भी इंटरनल फैक्टर क्या क्या है हम लोग देखेंगे, पहले समझते हैं कि इंटरनल फैक्टर है क्या। तो शेड्यूलिंग में दो फैक्टर है जो शेड्यूलिंग को अफेक्ट करता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर होता क्या है, तो इंटरनल फैक्टर वैसा चीज है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, मैनेजमेंट उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, बदल सकता है, उसका पूरा अधिकार होता है उस पर, ठीक है, वो मैनेजमेंट उसको चेंज करता है, उसके अनुसार फिर शेड्यूलर उसको शेड्यूल करता है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो एक्सटर्नल फैक्टर पे
मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर का सामने आ गया तो मैनेजमेंट उसके सामने अपना डिसीजन लेके उसको बैलेंस करता है। अगर कोई एक्सटर्नल बाहरी गड़बड़ी आ गया तो उसको मैनेजमेंट उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर वजह से। ऑर्डर ऑर्डर देना मैनेजमेंट का अधिकार नहीं है, ऑर्डर तो देगा कौन सा, जिसको जो जो रिक्वायर्ड हो, जिसको रिक्वायर्ड होगा कस्टमर, ठीक है। तो ऑर्डर अगर कम बेसी होता है तो मैनेजमेंट कुछ कर पाएगा इसमें, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस पर उसका अधिकार है कि ऑर्डर अपने आप से बढ़ा दे, नहीं बढ़ा देगा, ठीक है। डिमांड अपने आप से वो बढ़ा दे, बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। तो इस तरह का फैक्टर कहलाता है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसपे की मैनेजमेंट का कोई एकाधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब उसके लिए मैनेजमेंट अपने आप को एडजस्ट करता है, या तो प्रोडक्ट का नाम घटा देगा, ठीक है, या फिर अपना डेट टाइम डिलीवरी टाइम उसको कम कर देगा कि हम कम समय में ही प्रोडक्ट बना के देंगे, आप हमको ऑर्डर कीजिए। इस तरह से अपने आप में वो एडजस्टमेंट करता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देता है, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट का अधिकार है। तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर अगर जो होता है तो मैनेजमेंट के कंट्रोल के हाथ में नहीं होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अपने आप में एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या चीज है और इंटरनल फैक्टर में क्या क्या चीज है। देखिए तो एक्सटर्नल फैक्टर में इंटरनल फैक्टर में आपका सबसे पहले फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री है, इंटरनल फैक्टर है, मैनेजमेंट इस पर अधिकार है, इसको कम बेसी कर सकता है मैनेजमेंट अपना ऑर्डर देकर के, हमकी इन्वेंट्री हमको ज्यादा रखना है, कम रखना है, प्रोडक्ट हमको बना करके ज्यादा रखना है कि नहीं रखना है। प्रोसेस इंटरवल, प्रोसेस के एक दूसरे प्रोसेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, शेड्यूलर को बोल सकता है कि एक प्रोसेस के बीच में दूसरे इतना इतना गैप रखिए, आप शेड्यूलर का काम है कि वो कैसे मैनेज करेगा उस गैप को, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, आप मशीन कितना लाया कितना नहीं लाया, कितना आया उसके पास, ये कोई आपका मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, ये सब इंटरनल फैक्टर में आता है। उसी तरह से मैन पावर अवेलेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड रन, ये सब आपका इंटरनल फैक्टर्स में आ गया। एक्सटर्नल फैक्टर में कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिलीवरी डेट, इन्वेंट्रीज ऑफ डीलर एंड रिटेलर, ये आपका अपना खुद का कंपनी का नहीं, प्रोडक्शन कंपनी का नहीं, ये जहाँ से रॉ मटेरियल मंगा रहा है उसका इन्वेंट्री का डीलर, उसका इन्वेंट्री, तो उसका आप दूसरे का इन्वेंट्री तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर हम लोग को अफेक्ट करता है प्रोडक्शन शेड्यूल को। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब, जॉब को हम लोग मशीन पे कैसे लोड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एन जॉब, नंबर ऑफ जॉब है जो दो मशीन पे लोड करना है, या उसका सीक्वेंस बनाना है कि कौन दो 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 मशीन है, ठीक है, उस पे जॉब हम कैसे कैसे लोड करेंगे, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो जॉनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके लिए एक रूल बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसिंग के लिए एक रूल बनाया है, उसको हम लोग जॉनसन्स रूल बोलते हैं। ये बताया कि नंबर ऑफ जॉब है, इन जॉब्स है, जॉब की संख्या कुछ भी हो, दो मशीन पे कैसे हम उसको लोड करेंगे या शेड्यूल करेंगे ताकि हमको कम से कम समय लगे, ठीक है। कोई एक मशीन वन है, कोई एक मशीन टू है, टू मशीन हो गया। अब जॉब मेरे पास बहुत सारा है, ए बी सी डी ई एस जी एच आई जे के करके बहुत सारा जॉब है, तो उसको किस तरह से हम हर मशीन पे लोड करें ताकि हमको पूरा जॉब कम से कम समय में बन जाए, ये बताया जॉनसन, ठीक है। तो जॉनसन रूल के अनुसार क्या कहता है जॉनसन, कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि जो नंबर ऑफ जॉब है हमारे पास, नंबर ऑफ जॉब है उसमें सबसे कम टाइम किस जॉब में लग रहा है और किस मशीन पे लग रहा है, ठीक है, वो डिसाइड कीजिए, वो देखिए। जैसे किसी को एक जॉब करने के लिए कोई टाइम फिक्स होगा, जॉब ए अगर मशीन ए पे 10 मिनट में काम करता है, जॉब ए को बनाने में मशीन वन पे 10 मिनट लगता है, ठीक है, और जॉब बी को बनाने में 20 मिनट लगता है, इस तरह से कुछ ना कुछ तो टाइम होगा फिक्स होगा, पार्टिकुलर टाइम फिक्स, तो उसमें से सबसे कम टाइम कौन सा लगता है और किस मशीन पर लगता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रोसेस करेंगे क्या, इफ द शॉर्टेस्ट टाइम इज ऑन द फर्स्ट मशीन, सबसे पहला मशीन पे इफ द शॉर्टेस्ट टाइम
इज ऑन द, अगर पहला मशीन पे होगा तो उस जॉब को सबसे पहले प्रोसेस में डालेंगे, उस जॉब को सबसे पहले प्रोसेस में डालेंगे। अगर यही शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट मशीन पे नहीं होकर के सेट के सेकेंड मशीन पे होता तो उसको सबसे लास्ट शेड्यूल करेंगे, ये कहता है जॉनसन अपने रूल के अनुसार ये डिसाइड किया। दूसरा, अब हर जॉब के लिए जितना भी जॉब अवेलेबल है, इन जॉब अवेलेबल है, इन जॉब के लिए ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे तो हमको शेड्यूल मिल जाएगा। एक बात का हमको क्या ध्यान रखना है, एक बात का जॉनसन रूल में चौथा पॉइंट जो दिया है कि हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए, डेवलप मशीन टू शेड्यूल बेस्ड ऑन द मशीन वन शेड्यूल। ध्यान हमको क्या रखना है, तो ध्यान रखना है कि एंड ऑफ टाइम फ्रॉम मशीन वन विल बी स्टार्ट टाइम फॉर मशीन टू। जब पहला मशीन पे जो हम वर्क जो निर्धारित किए जब शेड्यूल करेंगे तो पहला वर्क, पहला जॉब जो हम मशीन वन पे शेड्यूल किए तो वो जहां पे खत्म होगा, जिस टाइम पे खत्म होगा वहां पे हम सेकेंड मशीन पे जॉब को लोड करेंगे, यानी कि दोनों मशीन पे जॉब हम एक ही बार लोड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट बार में ऐसा ही है, ऐसा करना हम लोग को पड़ेगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं इसके आधारित, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका प्रॉब्लम है एक कि ये नंबर ऑफ जॉब है ए बी सी, नंबर ऑफ जॉब है ए बी सी, सॉरी नंबर ऑफ जॉब है ए बी सी, ठीक है ना। अब मशीन दो मशीन है, एक मशीन वन है और एक मशीन टू है, ठीक है। जॉब ए बी सी हमको करना है, उसके लिए टाइम दिया हुआ है कि किस किस टाइम में मशीन वर्क करता है, और जॉब ए को करने में जैसे एक जॉब फर्स्ट सेलेक्ट द जॉब स्मॉलेस्ट टाइम इन आइदर स्टेज, ये तो आपका जॉनसन रूल का हो गया। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार जॉब है हमारे पास ए बी सी, उसको मशीन वन और मशीन टू पे शेड्यूल करना है, जबकि चारों वर्क का, चारों जॉब का जो है वर्क टाइमिंग दिया हुआ है कि वर्क ए को करने में, वर्क ए को मशीन ए पे जब करते हैं तो 1.5 आवर का टाइम लगता है, और यही जॉब ए को अगर मशीन टू पे करते हैं तो 1.25 आवर का टाइम लगता है। उसी तरह से जॉब बी है, जॉब बी को मशीन एक पे करते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है, और मशीन दो पे करते हैं तो 3 घंटे का समय लगता है। उसी तरह से थर्ड जॉब हमारा है जो कि मशीन ए पे अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमको 2.5 घंटे में हो जाएगा, और मशीन सॉरी 2 घंटे 50 मिनट में हो जाएगा, और अगर इसी जॉब को अगर हम मशीन दो पे करते हैं तो 2 घंटे में जॉब फिनिश हो जाएगा। मतलब जॉब ए बी सी डी का तीनों का टाइम दिया हुआ है कि मशीन ए पे अगर ये जॉब करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, मशीन दो पे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इसी को हमको सीक्वेंस करना है कि किस तरह से हम जॉब को सीक्वेंस करेंगे, कम से कम समय में हमारा पूरा ए बी सी डी चारों जॉब बन जाए, चारों जॉब आपका बन जाए, देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे क्या कि कौन सा जॉब सबसे कम समय पे होता है, कौन सा जॉब करने में सबसे कम समय लगता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डी जॉब करने में 1 घंटे का समय लग रहा है, 1 घंटा से कम और किसी और जॉब को लग रहा है करने में नहीं ना, 1 घंटा से कम और लग रहा है किसी जॉब को करने में नहीं, तो डी जॉब को करने में सबसे कम समय लग रहा है, और डी जॉब मशीन वन पे है। डी जॉब किस पे है, मशीन वन पे है, ये सबसे कम समय किस पे लग रहा है, मशीन वन पे। तो उसको हम लोग असाइन करेंगे, असाइन करेंगे किस पे, मशीन वन पे असाइन करेंगे और सबसे पहले असाइन करेंगे। फिर इसी तरह से जॉब डी असाइन हो गया, अब नेक्स्ट जॉब देखेंगे कि जो बचा हुआ हमारे पास जॉब है डी के अलावा कौन जॉब बचा हुआ है, ए बी सी। अब ए बी सी में देखेंगे कि नेक्स्ट सबसे कम समय किस पे लगा, डी जॉब तो हमारा पूरा हो गया, डी जॉब असाइन हो गया किस पे, मशीन वन पे असाइन हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप ए बी सी बचा हुआ है तो ए बी सी में देखिए, ध्यान दीजिएगा पिक्चर में सबसे कम समय किस में लग रहा है, तो जॉब ए को करने में सबसे कम समय लग रहा है 1.25 आवर का, और किस मशीन पे लग रहा है, मशीन
टू पे लग रहा है, तो इसको सबसे लास्ट में शेड्यूल करेंगे, क्योंकि जॉनसन क्या बताया था कि सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे कम समय किस जॉब को बनाने में लगता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, डी को लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे कम समय बनाने में लगा डी को, 1 आवर का समय लगा सबसे कम को, किस मशीन पे लगा। तो अगर मशीन 1 पे सबसे कम समय लगता है तो उसको सबसे पहले हम लोग असाइन करेंगे। अगर सबसे यही अगर डी वाला जो था 1 आवर अगर मशीन 2 पे लगता तो सबसे लास्ट में हम इसको असाइन करते, मगर क्या मशीन 1 पे लग रहा है तो सबसे पहले हम इसको असाइन करेंगे। अब जॉब ए को देखते हैं, तो जॉब ए को करने के लिए सबसे कम समय लग रहा है मशीन 2 पे 1.25 आवर का, तो जॉब ए को सबसे लास्ट में असाइन करेंगे। आ गया सबसे लास्ट में, असाइन कर दिए। उसी तरह से नेक्स्ट सबसे कम समय किस पे लग रहा है, तो देखिए नेक्स्ट सबसे कम समय 2 को पे लग रहा है, बी और सी दोनों पे। तो जब टाई हो जाएगा तो बी और सी में से किसको डिसाइड कीजिएगा आप जॉब करने का। तो टाई जब हो जाएगा, समय दोनों पे जब सेम लगेगा, जब नंबर ऑफ जॉब में समय सेम हो जाता है कि सबसे कम समय दोनों पे बराबर लग रहा है, तब हम देखेंगे कि किस पे सबसे कम समय लग रहा है। जैसे बी जॉब है तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हो जाता है। जो अगर बी जॉब है तो पहला मशीन पे सबसे कम समय लग रहा है तो बी को पहले असाइन करेंगे। सी जॉब है तो सी जॉब पे सबसे कम लग रहा है तो उसको कम समय लग रहा है, मगर किस पे लग रहा है, मशीन 2 पे लग रहा है, तो इसको लास्ट में असाइन करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस। अगर टाई हो जाता है तो फिर उसी मशीन के अनुसार ही जो प्रोसेस रूल है, अगर टाई हो जाता है तो बी या सी दोनों में से किसी को हम असाइन कर सकते हैं पहले, मगर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि किसमें किसमें समय कम लग रहा है। ठीक है, मशीन 1 पर कि मशीन 2 पर। मशीन 2 पे लग रहा है तो उसको हम लोग लास्ट में असाइन करेंगे, मशीन 1 पे लग रहा है तो उसको पहले असाइन करेंगे। तो पहले किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, बी मशीन 1 पे लग रहा है तो पहले बी को हम लोग असाइन कर दिया, बी को हम लोगों ने असाइन कर दिया। नेक्स्ट फिर हम लोग बाकी एक ही बचा तो थर्ड प्लेस पे ऑब्वियसली सी जाएगा। ठीक है ना, थर्ड प्लेस पे सी जाएगा। इस तरह से जॉनसन रूल हम लोग डिसाइड करते हैं कि जॉनसन रूल क्या है। तो जॉनसन का अगर हम लोग पहले वाला स्लाइड देखें तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम हम लोग को देखना है। अगर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जो जॉब का देख लिए तो सबसे पहले जॉब डिसाइड हो गया कि ये जॉब शेड्यूल होगा। अब कहाँ पे शेड्यूल होगा, तो अगर मशीन 1 पे है तो सबसे पहले शेड्यूल होगा और मशीन 2 पे है तो सबसे लास्ट में शेड्यूल होगा। यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा, अगर प्रोसेसिंग टाइम दोनों का इक्वल हो जाएगा, तब देखेंगे कि कौन सा जॉब मशीन 1 पे आता है पहले। तो जब मशीन 1 वाला आएगा तो उसको पहले असाइन करेंगे और मशीन 2 पे रहेगा तो उसको लास्ट में असाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जॉनसन रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आज यहीं पे रुकते हैं, अगला क्लास में हम लोग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल देखेंगे। ठीक है, हमारा क्या क्या क्लियर हो गया अभी तक, पीपीसी का फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, ये सब क्लियर हो गया, और रूटिंग क्लियर हो गया, शेड्यूलिंग क्लियर हो गया, मास्टर शेड्यूल है, मास्टर शेड्यूल क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए इसको और नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, पीपीटी से ही इसी से बना लीजिए, नहीं तो देखने की कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ भी भेजने का। ठीक है ना, ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए अच्छे और अपना ख्याल रखिए।